तो गाइस देखिए ये ठेचा बनाने के लिए मैंने कर लिया तैयारी। मैंने ये ली है मिर्ची, ये 100 ग्राम मिर्ची है गाइस। मैंने ज़्यादा नहीं बनाना है, मुझे एक कटोरी बनाना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें एक कली लहसुन लिया है, मतलब 8-7 पीस कली के लहसुन के लिए हैं। और 100 ग्राम मेरी मिर्ची है, ये जीरा लिया है मैंने 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 नींबू और 1/2 कटोरी मूँगफली। यहाँ मैंने फ्राई पैन में गाइस सरसों का तेल ले लिया है। ओके, अब मैं इसको भूनूंगी। सरसों का तेल गाइस गर्म हो चुका है, अब इसे मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा थोड़ा सा लाल हो जाएगा, उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। तो गाइस मेरी मिर्च और लहसुन सौटे हो गए थे, अब इसमें मैंने मिला दिया है रोस्टेड पीनट यानी कि भुंजा हुआ मूँगफली। अगर आप कच्चा लेते हैं तो आप लहसुन और मिर्ची के साथ ही भूंजिएगा, बट मैंने ऑलरेडी रोस्टेड लिया था इसलिए मैंने बाद में ऐड किया। बस अब मैंने गैस को स्लिम कर दिया है और इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे गाइस, ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज पीनट ऑलरेडी सॉटेड है आपकी। इसके बाद गाइस हम इसमें मिला देंगे सॉल्ट, सॉल्ट हम बाद में मिलाएंगे और उसके बाद ही हम इसको सॉटे करेंगे, बिकॉज गैस नमक डालने से क्या होता है पानी छोड़ता है। तो गैस अभी हीट है गैस, मैंने गैस बंद कर दी है, बट ये जो इलेक्ट्रिक गैस है वो बंद करने के बाद भी 5 से 10 मिनट तक हीट रहती है काफ़ी, इसलिए मैंने इस स्टेज पे उसमें नमक डाला है और इसको सॉटे कर रही हूँ। तो जितना भी पानी होगा वो ऑब्ज़र्व कर लेंगे, लहसुन और मिर्च ऑब्ज़र्व कर लेगा। तो बस गैस इसको मैंने सॉटे कर दिया है अच्छे से, ये भुंज गया है ऑलमोस्ट, मेरा ये रेडी है। अब हाफ़ मैंने गाइस इस लकड़ी के जार में डाल दिया था और हाफ़ मैं मिक्सी में करूँगी, बिकॉज़ गाइस मुझे ये कूटने में वाला अच्छा लगता है और हस्बैंड को मिक्सी वाला, तो मैंने दोनों तरह से बना दिया है। तो लगभग गाइस ये 1 कटोरा बन जाएगा रेडी होकर, मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में। 1 कटोरा लगभग ये रेडी हो जाएगा, ये मेरा आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं लगभग 1 वीक तक, ये ख़राब नहीं होगा। देखिए गाइस कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत यम्मी बना था, आप भी ट्राई